हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपकी संजय यादव और हमारे संजय यादव ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों, जितने हमारे न्यू दर्शक लोग देख रहे हैं, कहां कहां से देख रहे हैं, मैं सभी से नमस्ते प्रणाम कर रही हूं। और जितनी हमारी सिस्टर लोग जुड़ी हैं, मैं सभी से अपने दिल से नमस्ते कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर हमारा सपोर्ट कीजिए। और आप सबसे हमारा बहुत उम्मीद है, बहुत लगन है। मैं आप सबसे आज कुछ खास बात कहने आई हूँ। और मैं हर दिन इस तरीके से ब्लॉग नहीं बनाती थी जिस तरीके से आज हमें बनाना पड़ रहा है। और जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल छोड़ के जाइए मत। आप लोग हमारा दुख दर्द समझ सकते हैं। अगर आप लोग से शेयर करूँगी तो आप लोग समझ सकते हैं एक दुख दर्द क्या होता है। तो बस ऐसे ही आप लोग बने रहिए। मैं आप लोग से बता रही हूँ क्या हमें दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है। बहुत से लोग अपवाह करते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसे रहूँगी, ऐसे गाऊँगी तो हमारा कुछ न कुछ मतलब पब्लिक सपोर्ट करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम आप लोग को सच्चाई बता रहे हैं। और एक दिन वक्त आएगा कि हम मीडिया के सामने अपनी सच्चाई बताएंगे, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और बात रही हमारे परिवार की, हमारे फैमिली की, हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी है। भगवान करे सबकी फैमिली ऐसे रहे। हमें फैमिली से, अपने ससुराल वाले से कोई तकलीफ़ नहीं है और हमारे मायके वाले से भी कोई तकलीफ़ नहीं है। हमें सब कुछ का प्यार मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ प्यार मिलना चाहिए वो हम बहुत दूर तक सोचते हैं। आज जिस मजबूरी में, जिस परेशानी में हम इस चैनल पर काम कर रहे हैं, हम ही को पता है, सबको नहीं पता है हम इस चैनल पे क्यों काम करते हैं। तो ये चैनल पे काम करने के लिए हम बहुत टॉर्चर किए जाते हैं, हमको बहुत सब कुछ कहते हैं। हमारी सास भी कहती है क्यों बनाती हो, क्यों बंद कर दो। हमारे मतलब ऐसे हैं, हमारे से बड़े लोग हैं, हमें कहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम इस लाइन में हमारा नाम बदनाम हुआ है तो हम कुछ करके दिखाएँगे। तो बस हमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार दुलार चाहिए। आप लोग सपोर्ट करते ही रहिए। एक ऐसा चीज़ होता है कि शेयर करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपने स्थिति के बारे में बताती हूँ, हमारी स्थिति क्या है। और जो जानने वाले हैं, जो जानते हैं, उनको तो कुछ कहा जा सकता नहीं है। वो सोचते हैं कि अच्छे खा रहे हैं, अच्छे पहन रहे हैं तो अच्छे ही हैं। लेकिन इंसान की एक मुस्कुराहट होती है, अगर हंसते रहो, खाते रहो तो सोचते हैं लोग कि बहुत चैन से है। नहीं दोस्तों, परेशानियां सबके ऊपर आती जाती है और मैं कितना परेशान हूँ मैं ही जान रही हूँ। आप उससे शेयर करने से क्या कहूँ, तो क्या बताऊँ दोस्तों। हम जैसे गांव से आए हैं, आप सबको कई बार बता दें कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस हमारी ये माता रानी का कृपा है। मैं इन्हीं से निवेदन करती हूँ कि माता रानी हमारे आत्मा में शांति दे और हमारे परिवार में सुख शांति दे और हम अच्छे से रहें। हम भर सक क्यों नमक रोटी ना खाएं, मतलब खाने को ना रहे, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा परिवार संतुष्ट रहे और हर समय खुशहाल रहे। दोस्तों आप सबसे क्या ही बताऊं मैं, लोग तो इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पर्सनल मैं अपने घर की बात कर रही हूँ और किसी की नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। मैं घर गई थी तो हमको इतना बात सुनने को मिला, इतना सुनने को मिला, तो मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक होता है ना कि अगर कोई बात सुन लो तो दिमाग डिस्टर्ब रहता है, तो वही होता है। बस इंसान खा रहा है, पहन रहा है, रह रहा है। ऐसी कोई हीरे मोती तो नहीं पहना है, बस जैसे दुनिया जी रही है वैसे मैं ही जी रही हूँ। और चलिए खैर छोड़ो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। और चाहे हमारे घर के कहें, चाहे जो भी कुछ कहें, कहने वाले का कोई रोक टोक नहीं है। और मैं सोचती हूँ ये भगवान, आप हो हमारे साथ तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और हमारे परिवार खुशहाल है तो कुछ चीज़ का गम नहीं है। तो आज हम आप लोग को दिखाते हैं कितना हमारे पास काम है। अभी टाइम हो गया हमारा ब्लॉग बनाने में और आप सबसे कई दिन से मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। कितना सारा सूट है सिलने को, देखिए एक ये रहा।
आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं खोल के। एक ए रहा सूट और एक ए रहा। एक दीदी गांव जाने वाली है और वो दूर की हैं। ए रहा, दो हो गया और ए रहा, तीन हो गया दोस्तों, ए तीन हो गया और एक ए रहा, चार हो गया। और अभी 6-7 सूट हम रखे हैं सिलाई मशीन के ऊपर रखे हैं वहाँ, क्योंकि कमरा बैक करेंगे तो दोस्तों वहाँ अंधेरा है और खिड़की खोल रखे हैं तो इससे उजाला है, तो इसीलिए। और जो हमारे ब्लॉग में आप गलतियाँ हैं आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि हमको तो ब्लॉग बनाने आता नहीं, हमको कुछ नहीं आता है, बस आप सबसे जुड़ गए हैं। एक हमारी तमन्ना थी, हमको ये होता था कि हम भी आप सबके बीच में आए, और आप सब हमको कमेंट में बताइए हम क्या करें क्या ना करें। हम सोचते हैं कि जैसे सब लोग को सपोर्ट मिलता है और वैसे हमको भी मिले, तो आप सब सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों। प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, हर इंसान की मजबूरी होती है, कोई का मजबूरी भी नहीं होता है। जब भी मतलब ऐसे यूट्यूब पे गंदी गंदी चीज़ें फैलाता है, तो हम एक संस्कारी घर के परिवार से हैं और ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। हमारे चैनल पे जाइए, संजू यादव शॉर्ट वीडियो पे सर्च करिए और आप लोग को पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो कैसी है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने हमारे देखने वाले वीडियोज़ चैनल्स को सब्सक्राइब किए हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे न्यू सब्सक्राइबर भी हैं, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। क्या ही बताऊँ दोस्तों, मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहती हूँ। और अभी आप लोग से दिखा दूँ, मेरे पास बहुत मतलब अभी हमको 20 दिन गांव से आए नहीं हुआ और हमारे पास कम से कम अभी हम मैं सिलूँगी तो 10 दिन लगातार कपड़े सिलूँगी जब जाके सिल पाऊँगी, क्योंकि बीच बीच में हमारा पैर भी दर्द करता है, इससे ज़्यादा सिलाई नहीं करते हैं। तो कपड़ा हमको मिल भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंसान कहता है अगर अपने पास हुनर है, जुनून है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम सिलाई बहुत दिन से करते हैं, फिलहाल जो भी आता है, हम इतना स्टार नहीं है सिलाई में, जब भी तो अपना खर्चा तो निकल ही जाता है दोस्तों, क्या करें। अगर घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे तो बच्चे कैसे पालेंगे, बच्चे का हमदर्द कुछ और होता है। और जिसके पास फैमिली नहीं है, जिसके पास बच्चे नहीं है, वो बेचारे तरस रहे हैं। तो अगर हम फैमिली हमारे पास है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कितना दिन ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमको प्यारा प्यारा से कमेंट करके बताइए हम क्या करें। और जो जो स्टार हो गए हैं आप लोग उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ जितने हमारे सिस्टर लोग हैं, जितने हमारे भैया लोग हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो आप सबको मैं दिखा सकती हूँ, देखिए ये रहा हमारा सिलाई मशीन, ये रहा सिलाई मशीन, उस पर कपड़ा रखा है दोस्तों। और अब मैं इन कपड़ों को जाऊंगी, काटूंगी और सिलाई करूंगी। तो जिसको जिसको कपड़ा सिलवाना है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए प्यारा प्यारा सा, और सिलेंगे तो दिखाएंगे आप लोग को कैसा कपड़ा है कैसा नहीं है, आप लोग को जरूर दिखाएंगे। और वो दीदी बहुत रिक्वेस्ट की हैं कि हमारा कपड़ा सिल दिए, तो मैं सिलने जा रही हूँ क्योंकि हमको 19 तारीख को देना है, तो बहुत जल्द सिलना है। तो आप सभी बताइए कि कपड़ा हमारे ऊपर अच्छा लगे कि नहीं। हम भी सोचते हैं सूट पहने, लेकिन हमारे घर वाले मना करते हैं, इसलिए हम सूट नहीं पहनते हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस हम चल रहे हैं क्योंकि आप वीडियो को एंड करते हैं, हमारा बहुत हमारे पास काम है इसीलिए। तो यही सब सारी चीज़ें हैं
परेशानियाँ बहुत रहती हैं दोस्तों, और माता रानी का आशीर्वाद है तो सब कुछ सही है। ये कोई कोई कहता कि मतलब पूजा पाठ करो, तो दोस्तों आप सबसे बता दूँ मैं हर दिन पूजा नहीं करती हूँ, फिर भी माता रानी की कृपा से जो भी है, ये कोई ये नहीं होता कि हर दिन पूजा ही पाठ करो, तो मैं हर दिन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी माता रानी का कृपा है सब कुछ सही हो जाएगा, तो उन्हीं से उम्मीद करते हैं। तो बस आप सबको हमें प्यार चाहिए, दुलार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग का एक सब्सक्राइब लाइक करने में क्या जा रहा है, पैसा तो नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत बड़े घर के नहीं हैं, आप लोग से क्या ही बताऊँ। और आप लोग का अगर हमें उस तरह से प्यार मिल रहा है तो आप लोग को कुछ सच्चाई सामने आ जाए, क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, क्या कैसे है सब कुछ। बस सलवार इसका दोस्तों, सलवार हम भारी बना लेते हैं, देखो बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग ऐसे ही हमारे लोग वीडियो बने रहिए और आप लोग को मैं दिखाऊंगी। और अभी मेरा बहुत सारा ब्लाउज सिलना है, चल रही हूँ सिलूँगी और काटूँगी, अब दो तीन दिन लगातार मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से, मतलब ट्यूशन जाते हैं तो कापी पेंसिल रबड़ रेजर सब चीज़ मतलब मांगते हैं हर दिन, और दो पाँच दस रुपए, अब हर दिन तो पैसा नहीं रहता है, तो कम से कम आदमी कहता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम अपना सिलाई का थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। बस आप सबसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, और हमको क्योंकि हमको उतना बोलना नहीं आता है, तो चलिए जो भी है कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।